सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो सभी? अभी आप जो मेरे पीछे नज़ारा देख रहे हैं, ये लखनऊ की विधानसभा है। और बता दूं मैं आपको, विधानसभा के जस्ट पास में इधर ये चौराहा है, यहाँ से एक रोड जा रहा है रूमी दरवाजे की तरफ। और बता दूं आपको, रूमी दरवाजे पर अजय देवगन की रेड मूवी शूट हुई थी। हालांकि पूरी मूवी जो लखनऊ में शूट हुई थी, और उस मूवी का एक गाना है, बहुत ही शानदार गाना है, शायद आपने सुना होगा, सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना, तो वो गाना यहीं शूट हुआ था। उस गाने की शुरुआत जो है यहीं पे शुरू हुई थी, शुरुआत रूमी दरवाजे से हुई थी उस गाने की। और है शुरुआत में 15 सेकंड का जो सीन है गाने का, वो यहीं का है, यानी कि रूमी दरवाजे का सीन है उसमें। और कुछ सीन उसमें गोमती नदी से लिए गए हैं। तो पहले हम रूमी दरवाजे जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे गोमती नगर। और बता दूँ मैं आपको, यहाँ पर काफ़ी फिल्में शूट हुई, हालाँकि मैं यहाँ पर 2-3 फिल्मों की शूटिंग लोकेशन शूट करूँगा, जिनमें से एक तो है गदर मूवी। हालाँकि मैं यहाँ पर गदर के लिए आया था, मेरा मेन पर्पस जो था वो गदर के लिए था। तो गदर मूवी यहाँ पर एक कॉलेज में शूट हुई है, और कॉलेज में हमें पहले बात करनी पड़ेगी वो अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। और एक फिल्म और है यंगिस्तान, उस फिल्म का एक गाना है बहुत ही शानदार, वो भी आपने शायद सुना होगा, सुनो ना संगमरमर की वो मीनारें, तो ये गाना भी यहीं पर शूट हुआ है। तो 3 मूवी की तो हम शूटिंग लोकेशन यहाँ पर बनाएंगे। तो अभी चलते हैं रूमी दरवाज़ा, वहाँ मिलते हैं। ये है लखनऊ की विधानसभा का सीन, ये देखिए, ये विधानसभा है लखनऊ की, दिखा देते हैं आपको पूरा। और इधर सामने घंटाघर है, अभी हम इधर जाने वाले हैं, तो चलते हैं अभी। सो फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं रूमी दरवाज़ा। तो ये है रूमी दरवाज़ा जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये दोनों साइड में काफ़ी फैला हुआ है। तो गाना जब शुरू होता है तो फर्स्ट में इसी सीन को लिया जाता है, और इसके जस्ट बाद जो है गोमती नदी का सीन दिया जाता है। तो पहले मैं आपको यहाँ का दिखा देता हूँ पूरा नज़ारा इसका, आगे पीछे ऊपर नीचे से, उसके बाद चलते हैं गोमती नदी के जो सीन है वहाँ पर, और फिर वो दिखाते हैं आपको। सो ये है रूमी दरवाज़ा, और यही फिल्म में दिखाया गया, आप नीचे देख सकते हैं स्क्रीन शॉट में। फिल्म में जो दिखाया गया है वो बीचों बीच से सेंटर से लिया गया सीन, लेकिन मैं भी साइड में हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जो पोल वगैरह हैं कुछ नहीं दिखाए गए फिल्म में, मैंने बीच में से पहले सीन लिया था, लेकिन थोड़ा ही लिया था, देख सकते हैं आप काफ़ी ट्रैफिक है, तो इतना ज़्यादा रिस्क भी मैंने नहीं लिया। ये देखिए भाई भी आए यहाँ पे वीडियो शूट करने को, और इधर भी सामने घंटाघर लगा हुआ है। सो जो रूमी दरवाज़ा है इसका फ्रंट का नज़ारा आपने पूरा देख लिया है, अभी मैं दूसरी साइड में जाऊँगा इसके बैक में, और वहाँ से दिखाऊँगा इसका यहाँ का नज़ारा, और उसके बाद चलते हैं फिर गोमती नदी। इससे पहले मैं आपको मिलवा देता हूँ, ये है मिस्टर रमन यादव जी, तो ये आए हैं शाहजहाँपुर से मिलने। कितना दूर है शाहजहाँपुर यहाँ से? शाहजहाँपुर यहाँ से 170 किलोमीटर। तो 170 किलोमीटर दूर से आए हैं, हम इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और बता दूँ मैं आपको, जो शाहजहाँपुर जो जगह है वो राजपाल यादव जो फिल्म एक्टर है, अगर आपने नाम सुना हो जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, उनके गांव के पास ही है इनका गांव भी। अगर आपको राजपाल यादव जी का घर देखना है तो ये दिखा सकते हैं आप, कमेंट करके बता देना, अगर आपको देखना है तो हम इनसे मुलाकात कर लेंगे दोबारा, ये राजपाल यादव जी का घर भी हमें बता देंगे। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं दूसरी साइड में, और वहाँ शूट करते हैं, उसके बाद गोमती रिवर चलते हैं। सो बैक साइड से इसका सीन कुछ ऐसा है, देखिए इधर से वीडियो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, ये देखिए, ये दूसरी साइड से दिखा रहे हैं हम आपको, पहले हम उधर थे दूसरी साइड में, इधर से जो गाड़ियाँ निकल रही हैं, और अभी हम इधर आ गए हैं, ये देखिए। और नीचे यहाँ पर जो है रोड नहीं बना है, यहाँ पे पत्थर बिछे हुए हैं, डाबर का वाला रोड नहीं है ये। और देखिए जस्ट आपको ये सामने बिल्डिंग दिख रही है सफ़ेद वाली, देखिए ये वाली बिल्डिंग, इसमें भी फिल्म शूट हुई है, रेड मूवी जो है यहाँ पर भी शूट हुई है। अभी हम जा रहे हैं लाल पुल, और वहाँ देखेंगे नज़ारे, देखिए पीछे सभी लोग बैठे हैं, हम आगे बैठे हैं, हम देखिए भैया जी को गाइड कर रहे हैं, भैया हमें लाल पुल देखना है, ये देखो ये रास्ता जा रहा है। तो दो सीन और बचे हैं, वो हम दिखाएंगे आपको, अभी दिखाते हैं आगे का सीन। तो यहाँ पे दो पुल बने हुए हैं, एक पुल देखिए वो है, वो भी दिखाया गया है, मतलब ऐसा कैसा ये पुल है जहाँ पे हम खड़े हैं, तो वो नहीं दिखाया है, ये वाला दिखाया है पुल। और इधर नीचे नदी है, तो हम नीचे जाएंगे, और जहाँ पे नाव वाव खड़ी हैं, और जहाँ पे अजय देवगन खड़े होते हैं गाने में, तो वो सीन नीचे का ही है। तो अभी निकलते हैं, नीचे चलते हैं यहाँ से,
देखिए इधर जो आप पुल देख रहे हैं ऐसा कैसा पुल ये है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये पुल भी ऐसा ही है नीचे से इसका स्ट्रक्चर। तो हम इसके लिए हमें वहाँ जाना पड़ेगा नीचे, देखिए वहाँ पे झुतरियाँ बनी हुई छोटी छोटी, तो अभी वहाँ चलते हैं हम और सभी लोग उतर लिए हैं, चलते हैं अभी। सो फाइनली अभी हम लास्ट वाली लोकेशन पर पहुँच गए। यहाँ पर दो लोकेशन है जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे, यहाँ पर इलियाना डिक्रूज और अजय देवगन जो हैं वो खड़े होते हैं तो सीन लिया जाता है, और इधर ये जो पुल है उसका सीन लिया गया है मूवी में। तो यहाँ से दो ही सूट लिए गए हैं, और गाना जो शुरू होता है सानु एक पल चैन नाभे उसमें 15 सेकंड का सीन है पूरे में यहाँ का, बाकी जो है उनके घर का सीन लिया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। सो फिल्म का एक सीन यहाँ से शूट किया गया था, देखिए इधर राइट साइड में अजय देवगन खड़े होते हैं और लेफ्ट साइड में इलियाना डिक्रूज खड़ी होती हैं, तो यहाँ से लिया गया एक सीन मूवी में। और मूवी में जो सीन लिया गया उसमें पीछे जो है नाव दिखाई गई हैं, वो नाव फ़िलहाल उधर हैं, यहाँ से दिख नहीं पा रही हैं, तो हम उधर जाएंगे तो दिखा देंगे आपको, वो किनारे पर हैं। और देखिए इधर से यहाँ पर खड़े होते हैं अजय देवगन दूसरे सीन में यहाँ पर, लेकिन ये दिखाया नहीं गया है, और ये पुल दिखाया गया है, ये पुल दिखाया गया है, और इस पुल के दूसरी तरफ एक दूसरा पुल भी है, ये पुल दिखाया गया है। सो वीडियो जब मैंने शुरुआत किया था तो मैंने आपको बताया था कि हम गोमती नदी जाएंगे, गोमती नगर जाएंगे, तो ऐसा इन लोगों ने बताया था, लेकिन हमने यहाँ पर जब जगह को ढूंढा है तो ये जगह है गुड़िया घाट, ये गोमती नदी नहीं है। देखिए यहाँ पे नदी है लेकिन हम जहाँ पे खड़े हैं ये गुड़िया घाट है, उधर देखिए सामने वहाँ पे काफ़ी लोग लगे हुए हैं कपड़े धो रहे हैं, वहाँ पे देखिए धकाधक लगे हुए हैं। कोशिश करूँगा उधर भी जाऊँ तो आपको दिखा दूँगा सीन, काफ़ी कपड़े भी सूख रहे हैं वहाँ पर, और पहले वो सीन दिखाना है आपको, उसके बाद ये दिखाएंगे यहाँ पर जो नाव रखी हुई हैं। तो फिल्म का आपने पूरा सीन देख लिया है, और यहाँ का दिखाते हैं कुछ नज़ारा, फिर चलते हैं आगे। अभी हम सभी लोगों को वहीं छोड़कर आ गए हैं और हम जा रहे हैं इधर धोबी घाट जो यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कपड़े धो रहे हैं, उठा पटक मार रहे हैं, देखिए काफ़ी सारे इधर कपड़े सूख भी रहे हैं, तो चलिए दिखाते हैं आगे कुछ नज़ारा। सो नज़ारा कुछ अभी ऐसा है, आप देख सकते हैं देखिए कितने सारे कपड़े यहाँ पर सूख रहे हैं, उधर भी आगे भी सूख रहे हैं, इधर भी, और थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पर लोग कपड़े धो रहे हैं बिल्कुल घाट पर, तो भी चलते हैं उधर ही। और ये देखिए क्या यार गजब का ही नज़ारा यहाँ पे भी, अभी हम चल रहे हैं पार निकलते हैं, देखते हैं आगे एक नज़ारा क्या होता है। तो नज़ारा अभी कुछ ऐसा है धोबी घाट का, मैंने आपको पूरा सीन दिखा दिया किस प्रकार से लोग वहाँ कपड़ा धो रहे थे, उठा पटक के मार रहे थे, और कितने वहाँ पे कपड़े सूख रहे थे काफ़ी अंदर और बाहर, बहुत सारे कपड़े सुखा रखे थे लोगों ने। और देखिए हम यहाँ पे इनको छोड़ के गए थे, सभी लड़के लोग अभी भी यहाँ पर वीडियो शूट करने में लगे हैं, पता नहीं कितना लंबा वीडियो शूट करेंगे यहाँ पर। अभी हमारा एक सीन रह गया है जिसमें जो नाव दिखाई गई थी वो नाव हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे। कौन सा बनाएंगे, गदर का बनाएंगे ना, नहीं तो सुनोना संगमरमर उसका बाद में बना लेंगे, पहले गदर का देख लेते हैं ना। तो अभी हमारा विचार ऐसा है कि यहाँ का इस वीडियो को समाप्त करके और हम फिर गदर वाली लोकेशन पर जाएं। कितना दूर है यहाँ से कॉलेज, ये बता रहे हैं हमको सब, 5 से 6 किलोमीटर 5 से 6 किलोमीटर। कौन सा कॉलेज है वो, ला मोर्टिनियर कॉलेज, द मोर्टिनियर, ला मोर्टिनियर, मतलब उसमें LLB वगैरह पढ़ाई जाती है, यानी कि इसकी कानून की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, क्रिश्चियन जैसा है इसको। हाँ तो वहाँ पे कानून पढ़ाया जाता है, उस कानून की वो है कॉलेज है ना, लॉ कॉलेज है वो। तो 5 या 6 किलोमीटर है दूर यहाँ से, तो कोशिश करेंगे यहाँ इसके बाद हम गदर का ही शूट करें, गदर का शूट करने के बाद फिर हम करेंगे सुनोना संगमरमर की ये दीवारें। तो इससे पहले हम आपको दिखा देते हैं जहाज़ वाला सीन, थोड़ा दूरी पर है, उधर जाएंगे तो दिखाएंगे और वहीं वीडियो को करेंगे एंड फिर। सो बता दें आपको जो नाव है वो यहीं पर रखी हुई है, अभी भी इधर वहाँ पर रखी हुई है नाव, तो चलिए दिखाते हैं। ये देखें नाव अभी यहीं पर रखी हुई है, और यहाँ से पुल का नज़ारा भी अच्छा दिख रहा है क्योंकि हम काफ़ी करीब आ गए हैं, ये देखिए। और इधर बीचों बीच में हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए ये नज़ारा है,
और दिखा देते हैं करीब से नाव। ये देखिए वही नाव है, आप स्क्रीन शॉट में देख सकते हैं। यहाँ पे कई सारी नावें रखी हुई हैं। अभी ये देखिए और यहाँ पे काफ़ी छतरियाँ लगी हुई हैं घाट पर। अभी हम लास्ट वाले सीन पर थे, देखिए वहाँ पे छतरी नहीं है लास्ट वाले सीन पे। सो फाइनली रेड मूवी का जितने भी सीन थे यहाँ के वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। और कुछ सीन जो हैं लखनऊ से 50 किलोमीटर दूर एक गांव है, एक जगह का नाम है शिवगढ़, वहाँ से ले गए हैं जहाँ पर ताऊ जी का घर वगैरह था। तो वहाँ में जाने वाला नहीं हुई क्योंकि काफ़ी दूर है वो लखनऊ से, और लखनऊ में भी काफ़ी लोकेशन है वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इसी तरह वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बता देता हूँ मैं आपको, आज हम करीब 6 लोग आए हैं, 6 है ना, 2, 4, 5, एक और कहाँ बंदा, वो वीडियो शूट कर रहे हैं उधर। तो हम 6 लोग आए हैं और अभी हम 2 वीडियो और शूट करेंगे। तो इस वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद जय भारत।